नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, मलेशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैसेज पे हम बात करेंगे कि जो लोग मलेशिया जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, मलेशिया की इंक्वायरीज भी खूब आती हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज वीज़ा वगैरह आते हैं, विजिट वीज़ा, उनको वर्क परमिट वीज़ा बता के भेज दिया जाता है। जी हाँ, एक हमारे राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट मेरे जो ज़िले की बात है, अयूब नाम का बंदा जो सीकर का रहने वाला था, दिल्ली के एजेंट के चक्रों में आके 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपए लेके मलेशिया पहुंचा। जी हाँ, और 14 महीने की जेल की सज़ा काट के आया, वो भी विदेश मंत्रालय की दखल से। जी हाँ, अब ये माजरा कैसे हुआ, एजेंटों से किस तरह से कांटेक्ट में आया, कितने पैसे दिए है ना, और कैसे कौन से वीज़ा में दिया, वहाँ उसके साथ क्या वाकया हुआ, और ये वाकया आपके साथ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। क्योंकि जो मलेशिया जाते हैं 90% लोगों के साथ ये स्थिति होती है, क्योंकि विजिट टू वर्क, और मलेशिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से विजिट में जाके वहाँ परमिट लग जाए, आप सबको पता होना चाहिए इस बात का। तो आइए जानकारी लेते हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, अयूब नाम का राजस्थान का बंदा सीकर डिस्ट्रिक्ट का था, जिसके इंतजार में उसके फादर की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका। जी हाँ, माता उनकी बीमार हो गई, क्योंकि एक बच्चा अगर होता है, उसके भी बच्चे थे, मलेशिया जेल में है, तो आपको पता है भाई सबसे ज़्यादा माँ बाप पे क्या गुजरती है, सबको पता होना चाहिए। इसके मतलब एक तरह से बोझ को लिए हुए उसके फादर भी एक्सपायर हो गए। जी हाँ, हालांकि 14 महीने से बता दूँ 28 मई 2021 को 16 भारतीय इंडिया पहुँच चुके हैं। जी हाँ, और इसका एक्चुअल में हुआ क्या, अयूब नाम जो सीकर का था, वो कोई दिल्ली के एजेंट के कॉन्टेक्ट में आ गया। जी हाँ, और उनका नाम सुरेंद्र कुमार, एजेंट का नाम है रूबीना खान, लड़की का नाम है, एजेंट थे, हालांकि मुझे नहीं लगता है उनके ओरिजिनल नाम है, क्योंकि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, ये एक तरीका होता है एजेंटों का, इस बात का ध्यान रखिए कि ये हाँ ये मोमडन है, ये हिंदू है, हिंदू वाले को ये टैकल करेगा, क्योंकि आपको इंडिया में आपको पता है जातिवाद, ये है ना जातिवाद, ये सब कुछ है, आपको सबको पता ही है, तो ये एक तरीका होता है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, धर्म के नाम पे, जात के नाम से, हाँ अजय यार अपन तो एक ही है, अपन काम करवा देंगे, लोग उसके झांसे में जल्दी आ जाते हैं। सुरेंद्र कुमार और रूबीना खान दोनों ने मिलके 1,50,000 रुपये वर्क परमिट के नाम से अयूब से ले लिए। जी हाँ, और उसको बता दूं दिसंबर 2019 को दिल्ली से मलेशिया के लिए फ़्लाइट में बिठा दिया। फ्लाइट में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, एयरपोर्ट पे बंदा पहुंच गया, 3 दिन तक उसको जेल में रखा गया। आपको पता होना चाहिए मलेशिया में विजिट टू वर्क जाते हैं, उनको शक होता है तो डिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर बिठा देते हैं, उसी फ्लाइट में वापस भेजते हैं, तो कम से कम 2 से 3 दिन उनको एक बैरक से बना होता है, जेल जिसको बोल सकते हैं, उसी में उनको रखते हैं। जी हाँ, हालांकि वो सामान उनके पास ही होता है, लेकिन वो उस बंदे को 3 दिन में वापस डिपोर्ट कर दिया। अब अयूब वापस आ गया दिल्ली एयरपोर्ट पे, आके एजेंट से मिला तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, आपकी राजस्थान जयपुर से उसकी फ्लाइट करवा दी दोबारा से। जी हाँ, 4 जून 2020 को, यानी दूसरे महीने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तुरंत ही फ्लाइट 15-20 दिन के बाद में राजस्थान जयपुर से फ्लाइट करवा दी, बंदा मलेशिया पहुंच गया नो डाउट। बोला तेरा वर्क परमिट वीज़े में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको सेट कर दिया, अब तू दोबारा चला जा, कोई दिक्कत तेरे को नहीं आएगी। जी हाँ, ऐसा बोल के, और आपको पता है यार जो बेचारे होते हैं मजदूर आदमी टाइप के, उनको खुद को पता ही नहीं होता। अब वो भाई मलेशिया पहुंच गया, मलेशिया पहुंच के कंपनी में पहुंच गया, काम था उसका दूसरा, जो काम था वेल्डर का, और काम लगा दिया सोफा मेकर होते हैं ना जो कंपनी, आपको पता है मलेशिया में सोफा मेकर का काम ज़्यादा चलता है, उसमें लोडिंग का काम लगा दिया, फिर भी बंदे ने काम किया। अब आपको पता है जनवरी 2020 में गया, जनवरी 2021 अभी चल रहा है, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने 2 महीने वहाँ पे काम किया, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें आपस में लड़ाई हो गई, लड़ाई में 3 बांग्लादेशी लोग मारे गए। जी हाँ, तो भाई 3 लोग एक कर्मचारी अगर कंपनी में मर जाते हैं, इतनी सोफा मेकर कंपनियाँ कितनी बड़ी होती हैं, 20-30-50 लोग काम करते हैं या बहुत कम करते हैं, तो कंपनी हो गई बंद। तो वहाँ से फिर उनको बोला गया, एजेंट को फिर फ़ोन किया, तो एजेंट ने बोला कि हमारा बंदा आपके पास आ रहा है। आपको पता है सिस्टम पूरा सेट करके रखते हैं, यहाँ के दलाल वहाँ पर उनको आराम से मिल जाते हैं जो इंडियन पाकिस्तानी होते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग होते हैं। बोला हमारा आदमी आपको आ रहा है, दूसरी जगह कंपनी में सेट कर देगा। वो उनके पास आया, उनको लेके दूसरी कोलालंपुर है, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूसरी जगह लेके गया, वहाँ पे धमकी दी, यहाँ पे काम कर लो, तेरा ये कर दूंगा, तू शिकायत नहीं करेगा। मैं आपको पता है धमकी लोग देते हैं, नो डाउट, मैंने मेरी आंखों से देखा है, धमकियाँ देते हैं। तो वहाँ पे काम नहीं बना, तो अयूब क्या किया कि अपने 15-20 जो साथी थे उनके साथ में वहाँ से निकल के जो जोहर बारू जा रहा था, जो मलेशिया रहते हैं उनको पता है जोहर बारू कहाँ है,
कुआलालंपुर से जोहोर बारू 300-350 किलोमीटर की दूरी पे है, सिंगापुर एकदम बॉर्डर के ऊपर है, और जोहोर बारू से लोग सिंगापुर बाई बस जाते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। जी हाँ, तो वहाँ पे आपको पता है उनका नहीं तो कोई वीज़ा लगा, नहीं उनके पास जो विजिट वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया, कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था, और वो अपनी बस में बैठ के जोहोर बारू जा रहे थे। जोहोर बारू से 15 किलोमीटर पहले पुलिस ने चेकिंग कर ली और उनको सबको पकड़ लिया गया। जी हाँ, पकड़ के डॉक्यूमेंट चेक किए तो डॉक्यूमेंट चेक में क्या होना, उनके पास कुछ नहीं थे, इनलीगल थे वो, ठीक है। तो पुलिस ने उनको पकड़ के कानूनी कार्रवाई करने के तहत जेल में डाल दिया। और आपको पता होना चाहिए भाई, मलेशिया में इनलीगल तरीके से जो पकड़ा जाता है उनको 6 महीने जेल में रहना होता है, ये कानून वहाँ का बना हुआ है। लेकिन ये बंदा 14 महीने से जेल में निकल के आया, क्योंकि मलेशिया का जो कानून है इतना घटिया स्तर का है कि बंदे ने 6 महीने काट दिए तो वो नहीं निकालेंगे उनको, क्योंकि वहाँ पे आप जाओ, आप टिकट आपको आपकी तरफ से वहाँ पे बना के देनी होती है, तब वो बंदे को निकालते हैं। आप बताओ जी, 6 महीने बंदे ने कभी पूरे कर लिए, 14 महीने तक जेल में, यानी डबल से भी ज़्यादा सज़ा काट ली ना, 10,000 की टिकट के पेटे। मलेशियन गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि टिकट दे के इनको इनकी कंट्री भेजा जाए, अगर 5 साल निकल जाए तो भी नहीं भेजते, टिकट आपको देनी पड़ेगी अपने बंदे को बुलाने के लिए। अब एक बंदा आपका जेल में है, कोई आपका जानकार नहीं है, टिकट कैसे दोगे? तो लोग टिकट के 50-50 हज़ार रुपये इंडियन लोगों से ले लेते हैं। जी हाँ, टिकट का 8-10 हज़ार रुपये लगता है मलेशिया का, पता है आपको, लेकिन वो पैसा ले लेते हैं। यहाँ का इंसान मजबूर हो जाता है कि अपना भाई बेटा जो भी है वहाँ मलेशिया जेल में फंसा हुआ, जी हाँ, इस चक्कर में ये चक्कर में फंस जाते हैं। 14 महीने से भी वो ऐसे नहीं निकले, बता दूँ 18 जो लोग आए हैं मई में 28 में, वो ऐसे नहीं निकले भाई, उनका कोई जानकार बंदा हमारे राजस्थान में मंत्री हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जी हाँ, जोधपुर का उनका कोई रिश्तेदार था, वो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, तब जाके उन्होंने विदेश मंत्रालय में अपील की, वहाँ पे मतलब एक जेक लगवाया, इंक्वायरी की, तब जाके 14 महीने से ये 18 लोग इंडिया पहुँचे, जिसमें सीकर का अयूब भी था। जी हाँ, बेटे को देख के माँ जो बीमार थी उसकी तबीयत में अभी सुधार हुआ है, लेकिन भाई अयूब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके जो भी साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपके पास ये जानकारी पहुँची, हालाँकि ये वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर आने वाला था जॉब एडवाइस अशोक LLB, लेकिन मैं इस पे डाल रहा हूँ कि इस पे लोग इसको ज़्यादा देखें, इसलिए अगर आपको मेरे से एक बार ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट ज़रूर कर लें, आपके आप मेरे से डिटेल बताइए, जो एजेंट आपके पैसे लेके आपको वहाँ पे फंसाया उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जो भी हेल्प होगी आपके बारे में ज़रूर करेंगे। जी हाँ, बस ये अपडेट आप लोगों को इसलिए देना था भाई कि मलेशिया के नाम से विजिट टू वर्क कभी नहीं होता, अगर आपको विजिट वीज़ा दिया भी जाता है तो उसमें देखिए 15 डेज सोशल वर्क 15 डेज होता है, एजेंट इतने हरामी होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, उसमें ऊपर लिखा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ, 3 मंथ का वीज़ा बता के 15 दिन में आपको जाना है, इस तरह से बताते हैं, जबकि वो होता क्या है 3 महीने में आप कभी भी इस वीज़ा से जा सकते हैं, 15 दिन आप दुबई में मलेशिया में रह सकते हैं, इस तरह से होता है, लेकिन एजेंट लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, एडिट भी कर देते हैं। अभी तो मेरे पास ऐसे वीज़ा हैं जो विजिट वीज़ा को एडिट करके वर्क परमिट वीज़ा शामिल कर दिया। जी हाँ, तो इन जैसे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सावधानी है, कोई डॉक्यूमेंट वीज़ा हो तो भाई चेक कर लें, करवा लें, वरना आपको नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है, पैसे भी जाएंगे। मलेशिया जाने की हर इंसान को मैं बोलता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको बोलता हूँ मैं, जितने पैसे आप एजेंट को देके जा रहे हो ना उससे 4 गुना पैसे वापस आने में लग सकते हैं आपके, और जेल काटनी अलग से रहेगी। तो इन चीज़ों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय